गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आज हम बहुत से छोटे से एक छोटे से रूब्रिक को डिस्कस करेंगे। रूब्रिक है माइंड डिल्यूजन चार्म एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। बहुत छोटा सा रूब्रिक है, पर पेशेंट अगर जब ये हमारे सामने क्लिनिक पर बोल देता है तो ये बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें सिंगल रेमेडी है लेकेसिस। अब पेशेंट इसको किस वर्जन में बोलेगा, इस केस के थ्रू आप जानिए। एक पेशेंट मेरे पास आई, 32 वर्षीय महिला, गैस की, एसिडिटी की, हाथ पैर दर्द की, झुंझुनाहट की, शरीर में काफ़ी समस्याएँ उन्हें थी और वो बोल दी गई। तो मैंने उनसे जब इन सब बीमारी के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि आपको इस बीमारी के बारे में आपका कंसर्न, आपको क्या लगता है कि बीमारी कैसे हुई, क्या हुआ? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद किसी की नज़र लग गई है। तो मैंने कहा कि नज़र लगी तो आपने इसके लिए क्या किया? तो बोले कि मैंने जिस दिन मुझे ऐसा लगा अगले दिन तो मैंने उसके लिए नज़र वगैरह उतारी मेरी। जनरली जो पुराने लोग बताते हैं उस प्रकार से नज़र उतारी मैंने अपनी। तो ये एक सुपरस्टिशियस बहुत बड़ा एक रूब्रिक है हमारे पास जो आया है कि पेशेंट सुपरस्टिशियस है। अब सुपरस्टिशियस रूब्रिक में हम देखेंगे 24 मेडिसिन है। अब 24 मेडिसिन हमें एक लगा था कि 24 में से ही एक रेमेडी हमारे आने, क्योंकि पेशेंट का कंसर्न है कि उसको नज़र लगी है। तो हम ये इसको बहुत ही अंडर कंसिडरेशन में लेंगे कि ये इसको हम पकड़ के रखेंगे कि इसी रूब्रिक के आधार पर हम बाकी मेडिसिन को, बाकी रूब्रिक को इससे जोड़ेंगे। नेक्स्ट उसने जब मैंने पूछा कि जब आपको ऐसा तो आपने इसके लिए क्या किया, बोले डॉक्टर साहब मैंने बहुत जगह दवाई करवाई, जगह जगह गोलियाँ ली, दवाइयाँ ली, बाकी समस्या नहीं जा रही है। तो मैंने कहा फिर, तो बोले कि तो इसके तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपकी इस बीमारी को लेकर सोच क्या है, कि क्या कारण है, कि कैसे हुई, तो पेशेंट ने वो चीज़ बोली जो मैं चाहता था। पेशेंट ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरे पर जादू टोना कर दिया है, काला जादू, तंत्र मंत्र, क्योंकि हम पे जलने वाले लोग बहुत सारे हैं और हम संपन्न परिवार से आते हैं, तो मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। यही वो रूबरी है जिसकी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपको, डिल्यूजन चार्म एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। पेशेंट ने कहा कि मुझ पर किसी ने तंत्र मंत्र की क्रिया कर दी है और हमने इस काफ़ी जगह इलाज भी कराया है, दुआएँ भी करी, बाबाओं के पास भी गए, पर हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, इसे निकल नहीं, ये दवाओं से भी नहीं मिट रही है और दुआओं से भी नहीं मिट रही है। तो ये इसके अंदर भी एक सिंगल रेमेडी है। पेशेंट डिल्यूजन चार्म एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल का जो वर्जन होता है वो पेशेंट पॉजिटिव भी बोल सकता है, नेगेटिव भी बोल सकता है। नेगेटिव में वो काले जादू, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र के रूप में बोलेगा, और पॉजिटिव में वो कह सकता है कि मैं इन डॉक्टर से इलाज करवाता हूँ और इन डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट से मुझे राहत है और मैं इनको नहीं छोड़ सकता, छोड़ूंगा तो मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी। तो उसको फियर ऑफ सफरिंग का भी डर है। जब हम फियर ऑफ सफरिंग को भी सर्च करते हैं वहाँ पर भी लेकेसी से। पेशेंट ने आगे बढ़ते बढ़ते ये कहा कि मैंने कहा कि आपको ऐसा तंत्र मंत्र से ऐसा क्यों लगता है? नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि जब भी ये तकलीफ आती है तो मुझे लगता है कि वो कोई बुरी ताकत या कोई बुरा जादू मेरे पर हावी हो रहा है। ये है डिल्यूजन प्रोसेस बिंग है, यहाँ पर भी आपको लेकेसिस मिलेगी। और सब चीज़ें जब मैंने डिल्यूजन चार्म वाला जो रूब्रिक लिया उसमें सिंगल रेमेडी है लेकेसिस। और पेशेंट ने एंड जाते जाते कहा कि डॉक्टर साहब क्या पता ये मेरे कर्मों का ही फल है, ये है डिल्यूजन पनिशमेंट, इसमें भी लेकेसिस है। और पेशेंट को लेकेसिस हार्डली 200 और उसके बाद मुश्किल से 1 mg का एक डोज रिपीट करने के बाद उसे काफ़ी आराम है। पेशेंट के माइंड के रूब्रिक लेने के बाद भी मेरे एक पेशेंट की जो एक मेन समस्या थी, छाती में भारी भारी लगना, तो ये एंजाइटी फियर, एंजाइटी प्रेशर चेस्ट फ्रॉम, ये एक रूब्रिक जब मैंने लिया उसमें भी लैकेसिस थी, तो मेरी रेमेडी सिलेक्ट हो गई थी। तो मेरा जब भी हम केस लेते हैं तो केस के अंदर पेशेंट का कंसर्न क्या है ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने रूब्रिक आपको बताया है ये आपके क्लिनिक पर आएगा और आप इसे पहचान लेंगे। थैंक यू।